फिर झटपट से तैयार होने वाले हमारे जबरदस्त मजेदार मीठे स्वीट से ड्राई फ्रूट वाले और टूटी फ्रूटी वाले समोसे रेडी हैं। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिएगा कि किस तरह से आज हम बनाते हैं ये जबरदस्त समोसे स्पेशल ईद के लिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इसके साथ ही बेल आइकॉन को दबाने से मेरी हर आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सकेगी। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो थम्स अप करें। अस्सलाम वालेकुम, आसिया के किचन में वेलकम। मेरे सब व्यूवर्स को मेरा बहुत ज़्यादा सलाम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वीट मीठी सी मज़े की, क्योंकि ईद है और ईद पे हर घर में ही मीठा बनाया जाता है, स्वीट बनता ही है और ये बहुत इजी रेसिपी है। तो रहिएगा मेरे साथ और देखिए किस तरह से आज हम बनाते हैं नट्स के समोसे। तो ये सबसे पहले हमने एक लिया ऑल पर्पज फ्लावर, तो इसमें हमने जो है वो थोड़ा सा 2 टीस्पून ऑयल डाल के और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के और जो है नीम गरम वाटर से और हल्का सा बेकिंग पाउडर डाल के नीम गरम वाटर से हमने इसको जो है वो मिक्स कर लिया है। मैंने अपनी वो पहले भी रेसिपीज में बताया है इसको कैसे हमने मिक्स करना है। तो और यहाँ पे हमने कुछ नट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट, ये हैं काजू, पिस्ता, बादाम और क्रश नारियल पिसा हुआ। और ये मैंने जो बर्फी बनाई थी अपनी रेसिपीज में पहले तो वीडियो में, और उसको मैंने छोटा छोटा सा हाथ से ऐसे कर लिया। और ये टूटी फ्रूटी थोड़ी सी प्योर बटर, तो इसको हम डाल लेंगे चॉपर में। नारियल पहले से ही ये जो है वो पिसा हुआ है, इसको डालने की जरूरत नहीं है। तो इनको हम बहुत बारीक नहीं करेंगे, बस हल्का सा इनको जो है वो चॉप करेंगे। बस इतना सही। देखिए बस इतना सही हम करेंगे, इसको ज्यादा नहीं करेंगे। हाँ जी देखिए बस ऐसे ही। अभी हम इसमें ये जो बटर है थोड़ा सा ये डालेंगे। और डालेंगे ये खोया, थोड़ी सी ये टूटी फ्रूटी, अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको दूसरे बर्तन में ऐड कर लेते हैं ताकि इसको अच्छे से मिक्स कर सकें।
बस इसको ड्राई ही रहने देना है। थोड़ा और बटर डाल देते हैं, ये प्योर बटर आपने डालना है। इतना मजेदार जबरदस्त है ये ईद पे, अगर आपके पास फैमिलीज जैसे आती हैं ईद पे और गेस्ट वगैरह फ्रेंड्स, तो आप चाय के साथ उनको ये जो है ये रख सकते हैं और इतनी मजे की एक चीज बन जाती है और जबरदस्त देखने में भी अच्छी लगती है और एक मतलब एक बहुत मजे की चीज बन जाती है चाय के साथ। तो देखें कैसे अभी से ही दिल कर रहा है इसको थोड़ा सा खाएं, कितने मजे का बन गया है। जबरदस्त। तो अभी हम जो है वो ये भी खोया डाल लेते हैं जो बच गए। हाँ जी, तो अभी हम जो समोसे हैं उनको बेल लेंगे, इसको हम करेंगे एक साइड पे और थोड़ा सा देखिए ऐसे आपने इनको आपकी मर्जी है, आपने छोटे बनाने हो या बड़े। अगर आपने छोटे बनाने हो तो थोड़ा आटा ले लें और अगर बड़े बनाने हो तो जरा थोड़ी ज्यादा मकदार में ले लें। लेकिन अगर ये दरमियाने ही बनाए तो अच्छे लगेंगे। देखें तो अभी हम इसको काट लेंगे। देखें ऐसे करेंगे, फिर लगाएंगे हल्का सा वाटर यहां पे और फिर ऐसे कर लेंगे, फिर यहां से दबा के इसको थोड़ा सा और देखें ऐसे पकड़ के अभी हम इस पे लगाएंगे थोड़ा सा फिर वाटर ताकि अच्छे से ये चिपक सके। और अभी हम इसको बंद कर लेंगे।
देखिए ये बंद हो गया है, और ये जो एक्स्ट्रा है तो इसको हम डिश में नीचे से ऐसे दबा के रखेंगे, और इसी तरह से हम इसको भी इधर से हम वाटर लगाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे और अब इसको फिल कर लेंगे। और अभी थोड़ा सा वाटर लगाएंगे साइडों पे, तो अभी हम इसको अभी जो ये जो एक्स्ट्रा बच जाता है इसको हम आराम से काट लेंगे। देखें कितने इजी ये वो बन रहे हैं। आपको इसके लिए कोई अंडे से चिपकाने की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं। देखें तो इसी तरह से हम अब लेंगे और इन सब को हम इसी तरह से बेल लेंगे। हाँ जी, तो इसी तरह देखिए हम जो वो बेल लेंगे सभी। तो अभी हम इसे भी काट लेंगे। देखें ऐसे फिर ऐसे पकड़ के आपने इनको फिल कर लेना है। फिर ये चारों तरफ जो वो वाटर लगा के फिर अच्छे से इसको बंद कर लेंगे दबा के, तो जो एक्स्ट्रा है इसको हम यूं कर देंगे। देखें अभी हम इसको भी कर लेंगे। अभी हम जो है इस पे वाटर लगा के जो है इसको
ऐसे दबा के बंद कर लेंगे। और जो है एक्स्ट्रा जो है इसको उतार लेंगे। देखें देखें कैसे जबरदस्त हमारे जो है हमने इनको बेली है। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। हाँ जी, तो ऑयल देखें गरम है। तो अभी हम इसमें फ्राई कर लेंगे। देखिए कैसे फूलते जा रहे हैं। वाह, कैसे जबरदस्त फूल गए हैं। देखें कैसे जबरदस्त फूल के ऐसे क्रंची से हो गए हैं। इसी तरह हम इन सबको निकाल लेंगे। हाँ जी, इसी तरह हमने इसको भी बेला था। ये भी ऑलमोस्ट फ्राई है। हाँ जी, तो देखें कैसे गर्मा गर्म हमारे मीठे स्वीट जबरदस्त समोसे रेडी हैं स्पेशल ईद के लिए। तो अभी हम इनको जो है वो काट लेंगे। देखें कैसे क्रिस्पी सी आवाज आ रही है। देखें जबरदस्त, कैसी फीलिंग जबरदस्त मजे की। देखें और देखें देखें क्या कुछ इसमें नहीं है। खोया, टूटी फ्रूटी, नट्स, ड्राई फ्रूट, एवरीथिंग। वाओ, जबरदस्त। देखें इतने मजे के। और ज्यादा कुछ आपको जो है वो इसमें डालने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट थोड़े थोड़े से नट्स, बादाम, पिस्ता और काजू। अगर काजू नहीं भी है तो खाली बादाम और पिस्ता से ही आप बना सकते हैं। तो देखें कैसे जबरदस्त, ईद के लिए स्पेशल। वाओ, और ग्रीन टी के साथ तो क्या मजा, जबरदस्त। दुबला कर देते हैं इसको। आप चाय के साथ, ग्रीन टी के साथ ले सकते हैं और मेहमानों को पेश कर सकते हैं। ओके, आई होप कि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट जबरदस्त रेसिपीज के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।